आज का ये टॉपिक बड़ा ही दिलचस्प रहने वाला है। मुझे लगता है कि आजकल आप लोग में से हर कोई मोबाइल फोन यूज करता होगा, और आजकल तो आप देख रहे हैं कि 4G मोबाइल आप लोग चलाते हैं, और कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे, कुछ सालों के बाद 5G भी आपके पास आ जाएगा। तो आखिर मोबाइल की यात्रा शुरू कब से होती है? हमारे भारत में कब से मोबाइल बनना शुरू होता है? और आप देखेंगे दुनिया में मोबाइल कब आया आखिर, इसके बारे में भी मालूम होना चाहिए ना। और अभी 5G तकनीक क्यों चर्चा में है, क्या कहा जा रहा है, इस पर भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आपका मोबाइल फोन का आविष्कार अमेरिका में किया गया था, और इसीलिए आप देखते हैं कि 5G तकनीक भी अमेरिका के कुछ शहरों में मिलनी शुरू हो चुकी है। और हम लोग, आप देखिए, तकनीक के क्षेत्र में कितने पिछड़े हुए हैं। आपको देखने को मिलेगा कि 1973 की बात कर रहा हूं, एक मार्टिन, आपकी मार्टिन कूपर नाम के एक व्यक्ति थे अमेरिकी, इन्होंने एक तरह से अमेरिकी इसकी मोबाइल की खोज की थी, या कह सकते हैं कि मोबाइल का आविष्कार किया हुआ था। और आपके देश में अगर भारत की बात करें तो आप देखेंगे हमारे भारत में कब आया, ये 1995 के करीब हमारे भारत में आया। समझ रहे हैं आप लोग? आपने देखा होगा कि जब हमारे देश में कंप्यूटर आया तो कहा जाता है ऐसा कि लाल कृष्ण आडवाणी और आपके जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, ये उसका विरोध करने गए हुए थे बैलगाड़ी से। आपने देखा होगा संसद भवन। तो राजनीति अलग होती है। देखिए आप, हमारे देश की एक समय हुआ करता था कि GST का प्रधानमंत्री मोदी साहब विरोध किया करते थे। आजकल आपने देखा है कि GST जो आया हुआ है, ये उन्हीं की सरकार ने, उन्हीं के कार्यकाल में आया हुआ है। आज जो कृषि कानून का आप देख रहे हैं कि कांग्रेस विरोध कर रही है, कांग्रेस भी इस तरह के विचार प्रस्ताव ले आई है पहले, ये अलग बात है कि उन्होंने लागू नहीं कर पाई थी। तो याद रखिए, राजनीति अलग होती है, और ना ही हमें, मुझे लगता है कि राजनीति पर हम लोगों को बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ की राजनीति कितनी क्या है आप सभी लोग मुझसे और दुनिया से बेहतर जानते हैं आप लोग। हमारे चर्चा का विषय है कि मोबाइल की बात कर रहा हूं, तो इसकी अगर इतिहास की हम लोग बात करें तो याद रखिए, आपने देखा होगा कि 1980 में आपका 1G आया। इसमें क्या सुविधा थी, मोबाइल से वॉइस कॉल की शुरुआत आप लोग हुई है, यानी कि आप लोग कॉल कर सकते थे, हाल पूछ सकते थे। फिर 1990 में आप देखेंगे 2G आया। इसमें मोबाइल से वॉइस की सुविधा तो आपको मिली हुई थी, कॉलिंग की सुविधा तो आपको मिली हुई थी, साथ में ही आपको मैसेज की सुविधा भी मिल चुकी थी। फिर आप देखेंगे सन 2000 में आया 3G। इसमें मोबाइल पर इंटरनेट सर्व करने की सुविधा भी आप लोगों को दे दी गई। फिर आप देखेंगे सन 2010 में आया 5G, माफ करिए 4G। इसमें मोबाइल पर आपको वीडियो और हाई स्पीड इंटरनेट शुरू भी हो चुका था। फिर आप देख रहे हैं कि 2020 में, यानी कि 2020 में 5G हाई स्पीड वायरलेस कनेक्टिविटी का ट्रायल शुरू हो चुका है, हमारे भी भारत में कई जगह हुआ है, लेकिन याद रखिए दुनिया के कई शहरों में ये सुविधा भी मिलनी शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो आप लोग, ये है आपकी मोबाइल की यात्रा, या मोबाइल के इतिहास की बात कर रहा हूं। ठीक है, और सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा कि एक मोटोरोला कौन सी कंपनी थी, मोटोरोला कंपनी थी जिसने मोबाइल पहला बनाया हुआ था। ठीक है, इस 5G तकनीक के क्या लाभ होंगे आखिर, आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए। ऑपरेटर साइट से दूर हैवी मशीन चला पाएगा, जो खतरनाक वातावरण के जोखिम को कम करेगा। डॉक्टर रोबोट के जरिए सर्जरी कर सकेंगे, और आप समझिए कि आजकल रोबोट के जरिए हर कुछ हो रहा है। आप समझिए कि एक शहर में अच्छे डॉक्टर नहीं है, तो हाँ, आप समझिए कि रोबोट रख दिए जाए, और रोबोट के द्वारा डॉक्टर वहां से डायरेक्शन देगा, और रोबोट आपकी सर्जरी, जो भी ऑब्जर्वेशन होगा, इस तरह की कर पाएगा। तेज स्पीड के चलते 5G कई उपकरणों को एक साथ चलाने में सक्षम भी होगा, और आप समझिए कि 4G जो आप लोग अभी चलाते हैं, इससे 20 गुना अधिक आपको स्पीड देखने को मिलेगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेज स्पीड होगी। वीडियो डाउनलोड में से बैकअप चंद सेकंड में पूरा होगा, और IoT स्मार्ट होम जैसी सेवाएं तेजी से बढ़ेंगी। बिना ड्राइवर वाली कार का एहसास भी किया जा सकेगा, और 2026 तक 3.5 अरब लोग दुनिया भर में 5G तकनीक का इस्तेमाल भी करेंगे। तो ये है आपकी, एक तरह से आप कहिए कि फिफ्थ जनरेशन भी कह देते हैं। आप लोग देखते होंगे कि हमारे एक तरह से पीढ़ी दर, हमारी पीढ़ियां भी तो होती हैं। आप लोग इतिहास में पढ़ते होंगे कि एक समय हुआ करता था कि हम लोग, जो हमारे दो हाथ खाली हो चुके हैं और काम करने के लिए, इनका उपयोग भी हम लोग चलने के लिए करते थे, आदि मानव कहलाते थे। आप लोगों ने देखा है, फिर विकास हुआ, क्रमिक विकास चलता रहा। आज हम देख रहे हैं कितना विकास कर चुके हैं,
और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी कई तरह की विकास करती रहती है, तो यही एक तरह से विकास की दुनिया चल रही है। ठीक है, तो ये है नेटवर्क की एक तकनीक है 5G। ठीक है, अभी चर्चा में आखिर क्यों है इसे भी देखिए आप लोग। हाल ही में दूर संचार विभाग ने दूर संचार कंपनियों और अन्य उद्योग जगत के विशेषज्ञों से अगले 10 वर्षों में 5G बैंड सहित रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम की बिक्री और उपयोग पर जानकारी मांगी है। तो मैंने पहले भी बताया है कि दुनिया से, कई देशों से हम लोग बहुत पीछे हैं तकनीक के क्षेत्र में। तो आप समझिए कि हमारे यहाँ अभी बहुत टाइम लगेगा 5G तकनीक आने में। कई देशों में लोगों को भी, आम व्यक्तियों को भी एक तरह से मिलनी शुरू हो चुकी है। 5G प्रौद्योगिकी की विशेषताओं की अगर बात करें हम लोग, तो इसमें आपको मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम, 5G नेटवर्क मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम ये में काम करेगा, और इस नेटवर्क के माध्यम से तीव्र गति से अधिक मात्रा में डेटा भेजा जा सकेगा, क्योंकि आवृत्ति अधिक होने के कारण यह आसपास के संकेतों से बहुत कम प्रभावित होगा। स्पीड भी एक तरह से अधिक देगा, और डेटा को आप लोग एक जगह से दूसरी जगह आराम से बहुत जल्दी भेज सकेंगे। उन्नत LTE 5G मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क में नवीनतम दीर्घकालिक अपग्रेड है, यानी कि एक तरह से अभी 4G था उसका अपग्रेड करके 5G आगे। अगर इसकी स्पीड की हम लोग बात करें, इंटरनेट स्पीड की, तो 5G के कई हाई बैंड स्पेक्ट्रम में इंटरनेट की स्पीड को 20 GB पर सेकेंड दर्ज किया गया है, जबकि 4G में इंटरनेट की स्पीड 1 GB पर सेकेंड होता है। आप समझ सकते हैं यहाँ कि जो अभी 4G की बात कर रहे हैं, वैसे आप लोगों को इतनी स्पीड नहीं मिलती है, क्योंकि आपके नेटवर्क पर एक तरह से निर्भर रहता है। आप लोग देखते होंगे कि एक एक नेटवर्क पर आप लोग अधिक लोग यूज करने लगेंगे तो स्पीड उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ एक तरह से आप लोग इससे उदाहरण समझ सकते हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी का एक तरह से ब्रॉडबैंड यानी कि वाईफाई लगवाए हुए हैं, आप अकेले यूज करेंगे उसका, तो आप देखेंगे स्पीड अच्छी रहेगी, लेकिन उस पर जैसे ही लोग बढ़ते जाएंगे उस नेटवर्क पर, तो आपकी ये स्पीड कम होने लगेगी। तो आप लोग समझिए कि 4G में इंटरनेट की स्पीड 1 GB पर सेकंड है, लेकिन ये स्पीड आप लोगों को नहीं मिलती है। ठीक है, और इससे देखेंगे आप लोग 4G से कि 20 गुना यानी कि 20 GB पर सेकंड स्पीड रहेगी 5G की। ठीक है, 5G में नेटवर्क डाउनलिंक की स्पीड आपको 20 GB पर सेकंड देखने को मिलेगी, अपलिंक की स्पीड देखने को मिलेगी 10 GB पर सेकंड होगी। 5G में बैंड की बात करें तो 5G मुख्य रूप से 3 बैंड, निम्न, मध्यम और उच्च आवृत्ति स्पेक्ट्रम में काम करता है, जिसमें सभी के अपने उपयोग के साथ साथ सीमाएं भी हैं। कम बैंड का स्पेक्ट्रम की बात करें तो इसमें इंटरनेट की गति और डेटा के आदान प्रदान की अधिकतम गति 100 MB पर सेकेंड देखने को मिलेगी। फिर आप देखेंगे मध्यम बैंड का स्पेक्ट्रम, तो इसमें कम बैंड के स्पेक्ट्रम की तुलना में इंटरनेट की गति अधिक होती है, फिर भी इसके कवरेज क्षेत्र और सिग्नलों की कुछ सीमाएं भी आपको देखने को मिलेगी। तीसरा है आपका उच्च बैंड का स्पेक्ट्रम, इसमें अन्य दो बैंडों की तुलना में उच्च गति होती है, लेकिन कवरेज और सिग्नल भेदन की क्षमता इसमें बहुत बेहद सीमित होती है। अगर हम बात करें कि 5G प्रौद्योगिकी में बाधाएं क्या है आखिर, क्योंकि आप देखते हैं कि कुछ बाधाएं भी तो आती हैं, कुछ जब फायदे भी होते हैं, तो इसमें आधारभूत संरचनाएं, 5G संचार प्रणाली के लिए मौजूदा संरचनाओं में मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी, और 5G प्रौद्योगिकी से डेटा का ट्रांसफर अधिक दूरी तक नहीं हो सकता है, इसलिए 5G तकनीक हेतु बुनियादी ढांचे को सक्षम करने की जरूरत है। फिर आप देखेंगे उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ, तो 5G उद्योगों प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए नया फोन खरीदना पड़ेगा, जिसमें उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा। आप लोग देखते होंगे, पहले आपने देखा है 2G फोन, फिर 3G फोन आता था, जिसमें आप देखते थे कि 4G अगर सिम है आपकी तो काम करना बंद कर देती थी। तो आप समझिए जब 5G आएगा तो उसकी कीमत भी अधिक होगी। अभी आप लोगों को 1 GB अगर 100 रुपये का मिल रहा है, तो उस समय आप समझिए हो सकता है इसकी कीमत बढ़ जाए। और अभी आप लोग ये भी जान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि आपका फोन 4G सपोर्टर है और कल 5G आ जाता है, तो अगर आपको 5G का उपयोग करना है, उसका फायदा उठाना है, तो नया फोन भी खरीदना होगा। इससे क्या होगा कि आप पर वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा। पूंजी अपर्याप्तता, दूर संचार कंपनियों जैसे भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के पास उच्च मूल्य वाले 5G स्पेक्ट्रम को खरीदने के लिए पर्याप्त पूंजी की कमी है। आप लोग देखिए, ये तो कर लेंगे व्यवस्था ये लोग, मुझे एक समझ में नहीं आई आज तक बात। आप लोग खुद सोचिए कि जियो फायदा में है, लेकिन हमारा BSNL जो सरकारी है वो नुकसान में, घाटे में चलता है। ये बात हमें आज तक समझ में ही नहीं आती है कि सरकारी कंपनी एक तरह से घाटे में जा रही है और प्राइवेट कंपनी एक तरह से आप सोचिए कि मुनाफे में,
और आप सभी लोग जानते हैं कि BSNL कितना महंगा डेटा होता है उसका, और आप समझते हैं कई शहरों में उसके नेटवर्क भी नहीं आते हैं, फिर भी आप सोचिए कि इसकी इतनी, एक तरह से आप समझिए कहाँ जाता है पैसा। 5G अनुप्रयोगों की उपयोगिता की बात करें तो 5G प्रौद्योगिकी की क्लाउड, बिग डेटा, एज कंप्यूटिंग आदि के माध्यम से चौथी औद्योगिक क्रांति का एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक भी हो सकता है। भारत के लिए अगर बात करें तो 5G नेटवर्क मोबाइल बैंकिंग और हेल्थ केयर जैसी सेवाओं की पहुंच में सुधार कर सकता है और रोजगार के नए अवसर भी सृजित कर सकता है। कौन? 5G। 5G को सक्षम करने हेतु तो कुछ नीतियां भी हैं, इन्हें भी देख लीजिए। राष्ट्रीय संचार नीति 2018, इस नीति का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था और समाज में बदलना है, और यह कार्य सर्वव्यापी, लचीला और किफायती डिजिटल संचार अवसंरचना तथा सेवाओं की स्थापना कर नागरिकों और उद्यमों की सूचना और संचार आवश्यकताओं को पूरा कर किया जाएगा। और एक बात और बताऊं आप लोगों को, यहाँ आप समझिए समय, टाइम की कीमत है। आप समझिए कि अभी आप लोग कोई साइट खोल रहे हैं और मान लीजिए कि 1 से 2 मिनट लगता है, तो आप समझिए आप कितना नुकसान हो सकता है। और 5G आने के बाद आप समझिए कि कुछ सेकेंडों में, सेकेंड भी नहीं लगेंगे, आप लोग सोचेंगे कि साइट खुल जाएगी या काम हो जाएगा आप लोगों को। आप समझिए कि कितना आप लोगों का एक तरह से समय बचेगा, समझ रहे हैं आप लोग। उपभोक्ता केंद्रित और एप्लीकेशन प्रेरित राष्ट्रीय संचार नीति 2018 में 5G, IoT, M2M जैसी अग्रणी टेक्नोलॉजी लॉन्च होने के बाद नए विचारों और नवाचार की ओर ले जाएगी। और आप समझिए दुनिया आजकल तकनीक पर ही एक तरह से आधारित है। आप समझिए अगर तकनीक के क्षेत्र में आप पिछड़े हुए हैं तो असल में आप लोग पिछड़े कहलाएंगे, ठीक है। आजकल आप देख रहे होंगे कि आपके पास अगर फोन है, आप तकनीक से जुड़े हुए हैं, तकनीक के क्षेत्र में जागरूक हैं, तो हर फायदा, कोई भी योजना हो, कहीं जाना हो आप लोगों को, तो आप हाल में ही देख लेते हैं कि क्या करना है, किस दिशा में क्या काम करना है, समझ रहे हैं आप लोग। और जो अनपढ़ होते हैं, जिनके पास तकनीक का अभाव है या उसके प्रति जागरूक नहीं है, वो किस तरह से मारे जाते हैं, या आप समझिए कि उन्हें किस तरह से वंचित रहते हैं सेवाओं का, आप बेहतर जानते हैं। 5G पर वैश्विक प्रगति की बात करें तो वैश्विक दूरसंचार कंपनियों द्वारा पहले ही 5G नेटवर्क का निर्माण शुरू किया जा चुका है। अब इसे कई देशों में ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपने 50 शहरों में 5G की शुरुआत की गई है, तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका हमसे कितने आगे है, ठीक है। और आम लोगों के लिए अमेरिका में मिलना शुरू हो चुका है इसकी सुविधा। दक्षिण कोरिया की बात करें तो 85 शहरों में शुरू किया गया है। जापान और चीन ने भी 5G मोबाइल सेवा का परीक्षण शुरू कर दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि कई देशों में इसकी सुविधा भी मिलनी शुरू हो चुकी है। तो यही कहानी है आपकी मोबाइल तकनीक की, ठीक है, याद रखिए।